हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दिवाली के पहले के कुछ दिन ना सभी घरों में बहुत व्यस्त जाते हैं, स्पेशली हम महिलाओं के साथ में तो ऐसा होता ही है। घर में इतने काम निकलते हैं, तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ में शूट करने वाली हूँ वो मैंने बहुत हड़बड़ी में बनाई है, पर बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई। तो यहाँ पर मैंने ये बेबी पोटैटोज लिए हैं, लगभग 1.5 पाव। इनको अच्छे से धो के छील लिया था और छील के मैं इनको शेलो फ्राई कर रही हूँ। और ये बहुत छोटे छोटे पोटैटोज हैं, तो मैंने इसमें छेद नहीं किए हैं, कि आप चाहे तो फोर्क से इसको पिक कर सकते हैं, पर छोटे हैं ना तो मसाला बहुत आसानी से इसके अंदर तक भर जाता है। और जब तक ये शैलो फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैंने यहाँ पर एक कटोरी दही लिया है। तो मैं यहाँ पर एक रायता बना रही हूँ फटाफट से, जिससे कि थाली एकदम कंप्लीट लगे और बहुत टेस्टी लगे। तो इसको मैं हल्का सा थोड़ा सा फेंट ले रही हूँ, ताकि दही के चंक्स खत्म ना हो। इस रायते में दही के चंक्स अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर और साथ में एक हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल दी है। मिक्स वेज रायता आज मैं तैयार कर रही हूँ, और साथ ही साथ में हरी धनिया पत्ती। आपके पास में पुदीना है तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। और मेरे पास में ना आज मसाले बहुत कम थे, तो उन्हीं मसालों से मैंने बनाया, पर बहुत अच्छा रायता बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ पर ना मैं आधा चम्मच कच्चा जीरा इस तरीके से क्रश करके डाल रही हूँ। तो मेरे पास में भुने हुए जीरे का पाउडर भी नहीं था आज, तो इस तरीके से डाला है। तो मैं इस तरीके से भी कई बार डालती हूँ कच्चा जीरा, और काला नमक डाला और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। तो जो चीजें घर में अवेलेबल है ना, उसको मिक्स करके हम चीजें बना सकते हैं, उसके बावजूद बहुत टेस्टी बनती है। पर अगर आपके पास में जीरा पाउडर है ना, तो उसको जरूर से डालिएगा। रायता मेरा बनकर तैयार हो चुका है, तब तक यहाँ पर आलू भी फ्राई हो चुके हैं। तो आज सुबह से इतनी भागम भाग का दिन गया ना, कि कभी कभी सभी के साथ में ऐसा हो जाता है। और जब मैं ये शूट करने चली इस रेसिपी को, तब तक इलेक्ट्रिशियन आ गया किसी काम से मेरे घर में, और उन्होंने तो लगभग ना 1 घंटा लगा दिया जो काम करने वाले थे। तो बहुत टाइम लग गया, तो मुझे तो लग रहा था शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेटा भी स्कूल से आने वाला था। पर जैसे तैसे मैंने 1:15 बजे मैंने इसको रेसिपी को शूट करना स्टार्ट किया, और बनकर तैयार भी हो गई। तो यहाँ पर देखिए, कढ़ाई में से तेल को मैंने कम कर दिया है, लगभग 1.5 से 2 चम्मच तेल बचा है। इसमें कुछ खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, नहीं बड़ी इलायची नहीं थी मेरे पास में, सिर्फ छोटी इलायची डाली है। साथ में एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का डाला है। तो जो खड़े मसाले हैं उनको लीजिएगा, और आधा चम्मच जीरा साथ में डाल दिया है मैंने, और साथ ही साथ में खड़े मसाले डाल दिए हैं। जब ये तेल में अच्छे से भूनते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर ना मैं कुछ मसाले कट करके रखे हैं, तो साथ में 6 से 7 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक लिया है मैंने, इसको मैं तेल में डालने वाली हूँ। और साथ ही साथ में मैंने ना यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज भी रफली चॉप करके रखा है, इसको मैंने डाल दिया है। और इसको मध्यम आंच पे हम बढ़िया सा फ्राई करेंगे। पर ग्रेवी को ना रिच करने के लिए यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ इसमें काजू की टुकड़ी। तो मैं तो काजू की टुकड़ी मसाले में जनरली यूज करती हूँ, अगर आपके पास में साबुत काजू है ना, तो साबुत काजू भी डाल सकते हैं। तो काजू की टुकड़ी डालने से बहुत रिचनेस बढ़ जाती है ग्रेवी की, सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको मध्यम आंच पे देखिए मैंने कलर चेंज होने तक भून लिया है, कच्चापन चला जाए तब तक भूनना है। और अब इसमें यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने रफली चॉप करके रखे थे, इन्हें डाल दिया। तो टमाटर तो बहुत महंगे मिल रहे हैं भाई, तो मैं कम से कम यूज कर रही हूँ। और आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है? मेरे यहाँ तो 120 रुपये पर केजी चल रहा है। और नमक भी मैंने सब्जी के हिसाब से इसमें डाल दिया है, 3 हरी मिर्च डाल दी है, और हरी मिर्च का कच्चापन जो होता है ना, बहुत अच्छा लगता है सब्जी में। और इसको अब हम थोड़ा सा और भूनने देंगे। तब तक यहाँ फटाफट से आटा लगा लेते हैं। तो 2 कप गेहूं का आटा लिया है, साथ ही साथ में इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और पानी लगा के नॉर्मल जो आटा गूंथते हैं रोटी पराठे के लिए, उसी तरीके से मैं इसका आटा गूंथने वाली हूँ। तो आप इसमें चाहे तो मैदा भी मिला सकते हैं, पर क्या है, रेगुलर रोज के खाने में मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आज थोड़ा सा मसाला पराठा बनाने वाली हूँ, नॉर्मल गेहूं का आटा ही इसको गूंथ लेना है। हल्का सा घी लगा लिया लास्ट में मैंने, और इस आटे को गूंथने के बाद में रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, तब तक ये अच्छे तरीके से फूल जाएगा या सेट हो जाएगा। तब तक यहाँ पर हमारा मसाला भी बढ़िया तरीके से भून चुका है। इस तरीके से मसाला पीस के सब्जी बनाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करके इसको हम पीस लेंगे। तो मसाला यहाँ पर मेरा ठंडा हो चुका था, इसके बाद मैंने इसको एक ग्राइंडिंग जार में डाला, और इसमें से तेज पत्ता अलग कर देने वाली हूँ, बाकी सारे खड़े मसाले मैं साथ में पीस लेने वाली हूँ। और अब इसमें ना 1/4 कप पानी भी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है, तो जितना अच्छा महीन बना सकते हैं उतना महीन बनाइएगा, और अगर महीन नहीं बन पा रहा है तो उसको छान लीजिएगा बाद में। तो सेम कढ़ाई मैंने ली है, और इसमें मैं डाल रही हूँ फिर से 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे, और
इसमें अब फिर उसके बाद कुछ मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है मैंने। जीरे को अच्छे तरीके से तड़कने देंगे और ये मसाला मेरा अच्छे तरीके से पिस चुका है। तो मैंने आपको बताया कि ये दम आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ मैं, तो इसमें ना मसाला बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए तभी अच्छा टेस्ट आता है। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है मैंने, और साथ ही साथ में इमीडिएट मैंने मसाला डाल दिया है जो पिसा हुआ मसाला है। वरना क्या है ना, ये सूखे मसाले जल सकते हैं। आँच को एकदम धीमे पे रखना है इस वक्त में, और जार में जितना मसाला और लगा है थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाल के अच्छे से हिला के इसी में डाल देंगे। अब इसको ना ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं क्योंकि मसाले तो पहले से अच्छे तरीके से पके हुए थे, फिर भी मैंने ढक के इसको 2 मिनट और पका लेना है लो टू मध्यम आँच पे, लो टू मध्यम नहीं लो टू मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए लगभग 2 से 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला, बहुत अच्छे तरीके से मसाला भुन चुका है, भुना हुआ तो पहले ही था। अब इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी मैंने क्रश करके डाली, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ में 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर दही भी फेंट कर डाल सकते हैं, पर दही से ना और ज्यादा जरूरत से ज्यादा खट्टापन कभी कभी आ जाता है, तो मैं अक्सर ना इस तरीके की सब्जियों में मलाई का उपयोग करती हूँ। मलाई को डाल के थोड़ा सा चला लिया, साथ ही साथ में यहाँ पर 1 कटोरी मटर डालेंगे। ताजी मटर है तो इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, तो मटर डाल के मैं ना ढक देने वाली हूँ और ढक के इसको पकने दूंगी जिससे कि मटर हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट मैंने मटर के साथ में पका लिया मसाले को, देखिए कितना शानदार कलर आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया मसाला बनकर तैयार होता है इस तरीके से बनाया जाए तो। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालने वाली हूँ यहाँ पर आलू। तो इस स्टेज में ना आप चाहे तो नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा, कम ज्यादा जैसा भी रहता है, और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इमीडिएट हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इस हिसाब से डालिएगा कि जितनी आप ग्रेवी चाहते हैं। तो मैंने पहले 1 गिलास पानी डाला और साथ ही साथ में यहाँ पर ना मैं दम आलू मसाला डाल दे रही हूँ। मेरे पास में दम आलू मसाला था किसी ब्रांड का, आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं या ना चाहे तो ना भी डाल सकते हैं, तब भी अपने खड़े मसाले डाले हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। आधा ग्लास मैंने पानी और डाल दिया है क्योंकि आलू काफी पानी एब्जॉर्ब करता है, और बस इसको अब ढक के ना हम दम देंगे क्योंकि दम आलू मटर है, तो धीमी आंच पे उसको 7 से 8 मिनट तक हम पकने देंगे। तब तक हम यहाँ पर पराठे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये आटा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, दोबारा से एक बार गूंथ लेंगे। एकदम बढ़िया से सॉफ्ट आटा ही लगाया है मैंने, और जितना बटा माफ कीजिएगा जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हैं ना उतनी बड़ी लोई कट कर लीजिए, और आटे का परथन का इस्तेमाल करते हुए इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे सबसे पहले। और आप जो भी शेप देना चाहते हैं ना वो शेप दे सकते हैं। तो मैं कभी तिकोने भी बनाती हूँ, पर आज मैं यहाँ पर चौकोर पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पहले घी को स्प्रेड कर देना है, तो घी जितना आप खाते हैं, अगर कम खाते हैं तो आप सिंपल पराठा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने जीरा इसमें स्प्रिंकल किया, मेरे पास में जीरा पाउडर नहीं है, वरना आप जीरा पाउडर का स्प्रिंकल कीजिएगा। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी धनिया पत्ती इसमें स्प्रिंकल किया, आप चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। जो भी फ्लेवर आप देना चाहते हैं ना पराठे में, आप इसमें अंदर फिल कर सकते हैं। आप चाहे तो चीज भी डाल सकते हैं बच्चों को देने के लिए, और टेस्टी हो जाएगा। और बस इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको स्क्वायर शेप में मैंने बना लिया है, और स्क्वायर शेप में ही इसको बड़ा करते चले जाएंगे। बहुत आसान पराठा है, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाता है, इससे ना बहुत ज्यादा थाली का जायका चेंज हो जाता है और बहुत टेस्टी लगती है। तो हल्का सा वेरिएशन करने से ही ना खाने में बहुत ज्यादा स्वाद बढ़ जाता है और घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जी को दम मैंने दे दिया है अच्छे तरीके से, 8 से 9 मिनट पका लिया, बहुत अच्छे से तरीके से बन चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। इसमें कटी हुई धनिया पत्ती डाली, लास्ट में मैंने गार्निशिंग की, और ये हमारी बहुत शानदार दम आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। और बस चलिए फटाफट से आलू के माफ कीजिएगा सिंपल मसाला पराठा बना लेते हैं, सेक लेते हैं। तो यहाँ पर तवा अच्छे से पहले गरम कर लिया मैंने, और गरम तवे पे मैंने ये पराठा डाल दिया है। एक तरफ से जब सिक जाएगा हल्का सा तो इसको पलट लेंगे और इसमें घी लगा लेंगे। मैं घी लगा रही हूँ, आप बटर चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, ऑयल चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और देखिए कितना शानदार फूल रहा है, बिल्कुल बढ़िया नरम आटा अगर तैयार करेंगे ना तो बहुत शानदार फूलता है कोई भी पराठा बनाया जाए। तो इसको अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से मैंने सेक लेना है, और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा मसाला पराठा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्टी, बहुत शानदार पराठा, और दम आलू के साथ में ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा आता है। और दम आलू में मटर डाल दिए ना, तब तो फिर सोने पे सुहागा, उसका टेस्ट ना एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए फटाफट से थाली लगाते हैं। तो सबसे पहले दम आलू मटर की सब्जी,
देखने में देखिए कितनी शानदार टेम्पटिंग लग रही है, खाने में तो रियली में बहुत टेस्टी बनी थी। और ये हमारा सिंपल सा मिक्स वेज रायता, तो आज की थाली बिल्कुल सिंपल सी है पर पूरी तरीके से संतुष्टि देने वाली और सेहत से भरपूर थाली बनकर तैयार हुई है। तो आज की थाली मेरे घर में तो बहुत पसंद की गई, अगर आप भी बनाएंगे इस तरीके से तो उम्मीद करती हूँ आपके घर में भी पसंद की जाएगी। तो चलिए अब मेरा फेवरेट काम, मैं इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ कि रियली में बहुत टेस्टी इस तरीके की सब्जी बनकर तैयार होती है, और पराठे के साथ तो कॉम्बिनेशन भाई वाह वाला हिसाब है। और अगर आप भी इसे बनाते हैं तो यकीनन आपको भी पसंद आएगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।